Hello, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Another day, another video. Today we are here with selections from English words class first year, and we will be discussing today Abu bin Adam by Lee Hunt. First of all, I'll give you a short introduction about who was Lee Hunt. It's on page number 26. I'll read out for you. Abu bin Adam, may his tribe increase. Abu bin Adam, un par salamti ho. Awoke one night from a deep dream of peace. Ek raat unki aankh khulti hai bahut gehri khwabon wali sukoon ki neend se. And saw within the moonlight in his room. Is tarah ki roshni thi jaise chand ki roshni hoti hai unke kamre mein unki isse aankh khulti hai. Making it rich and like a lily in bloom. उसको वो और ज़्यादा इनरिच हम कहते हैं ना कि जैसे चॉकलेट के लिए यूज़ करते हैं केक के लिए रिच फ्लेवर था कमरे में बहुत ज़्यादा थी एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम आपने लिली ब्लॉसम एक ट्री होता है उसके फूल होते हैं अगर आपने वो देखे हों तो आपको पता होगा लिली इन ब्लूम किस रेफरेंस में कह रहे हैं एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड एक फरिश्ता था वो बुक ऑफ गोल्ड में लिख रहा था Exceeding peace had made Abu bin Adam bold, and to the presence in his room he said, "What right is though the vision rages at?" मतलब इस बढ़ते हुए सुकून से अबू बिन आदम ने बहादुरी से बोल बहादुरी से पूछा and जो presence उनके कमरे में थी What right though क्या लिख रहे हो The vision rages at उस vision ने जो एक shadow था फरिश्ते क्योंकि हम कहते हैं इंसान आग से बने होते हैं तो हमें जैसे घोस्ट का हमारे पास आइडिया है फिक्शन फिल्म की तरह से तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया विजन एंड विद अ लुक मेड ऑफ स्वीट एकर्ड खूबसूरत आवाज़ थी हारमनी में खूबसूरती से उन्होंने उसने जवाब दिया कि द नेम्स ऑफ दोज हु लव द गॉड उनके नाम लिख रहा हूँ जो खुदा से प्यार करते हैं एंड इज माइन वन सेड अबू ने नॉट सो उसने कहा नहीं भाई तुम्हारा नाम तो नहीं है replied the angel abu spoke mono abu das ho gaya but cheerily still and said i pray thee then usne phir bhi apne aap ko cheerful rakhte hue kaha ki koi baat nahi main dua karunga phir righteous one that loves his fellow man mujhe wo likho jo khuda ke bandon ko pyar karta hai the angel wrote and vanished angel ne likha aur gayab ho gaya the next night it came again with a great weakening light अगले दिन वो दोबारा आया उसी तरह से ऐसी रोशनी से आया कि उसकी आंख खुल गई अबू बिन आदम की एंड शोड द नेम हुम लव ऑफ गॉड हैज लेड और उनके नाम दिखाए जिसको खुदा प्यार करता है एंड लो बिन आदम्स नेम लीड ऑल द रेस्ट अबू बिन आदम का नेम उसमें सबसे टॉप पे था इस पोम में कुछ नहीं है सिर्फ दो बातें आपको याद रखनी है पहली दफ़ा आया था अबू बिन आदम ने पूछा क्या लिख रहे थे नेम ऑफ दोज हु लव गॉड उनके नाम जो खुदा से प्यार करते हैं तो अबू बिन आदम का नाम उसमें नहीं होता अबू बिन आदम कहते हैं मेरा नाम उसमें लिखो जो उसके बंदों से प्यार करता है तो वो एंजल चला जाता है नेक्स्ट डे आता है वो क्या दिखाता है कि उनके नाम है जिनको खुदा प्यार करता है तो अबू बिन आदम का नेम टॉप पे होता है लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इसका मोरल यही हुआ कि गॉड लव दोज हु लव हिज फॉलोमैन उस फैन मैं ये भी लिख देती हूँ ये है अबू बिन आदम बाय ली हंट नंबर वन थिंग आपको याद रखनी है कि लव गॉड नंबर वन ये क्वेश्चन नहीं है ये है पॉइंट्स रिमेंबर सही है हमारे पास दो क्वेश्चन आ गए उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा इसका मॉडल क्या है ये एक बहुत मशहूर कोटेशन है Yeah.
his fellow. खुदा उनसे प्यार करता है जो उसके बंदों से प्यार करता है. हमने आप कोई भी आयत कोट कर सकते हैं इसके अंदर. ये वैसे इसमें कम सवाल पूछे जाते हैं. कैनियर्स को कंसल्ट करें इसके बारे में. डिफिकल्ट वर्ड्स आपको बता देती हूँ. ट्राइब का मतलब होता है कबीला. पीस काम सुकून आराम. मूनलाइट चांद की जो रोशनी होती है. इसमें कोई वैसा ऐसा वर्ड तो नहीं है लेकिन फिर भी वेकनिंग लाइट ब्राइट लाइट हम ये भी कह सकते हैं. विजन शैडो एक्सीडिंग पीस इंक्रीजिंग दो दो दो. ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है इसका मीनिंग नहीं पूछेंगे. चेयरली बट हैप्पी. तो ये थी अबू बिन आदम. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ये इसके पेज नंबर 27 पे लिखा हुआ. दिस इज सिंपल एंड लवली टेल इज ब्रीफली टोल्ड इन ईजी एंड फॉलोइंग flowing rhymed couplets. The dominant word is peace. Notice how its vowel sound rings through the phrases in which it is used. Deep dream of peace and exceeding peace. Peace, beauty and happiness prevail right through this deeply religious poem. एक आपको टिप दे दूँ. इंग्लिश पोम्स के अंदर जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो याद रखिएगा पोम्स अटेंड करना ज़्यादा आसान होती है क्योंकि ये जो आप एक क्वेश्चन के लिए याद करते हैं ना आप उसको हर क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं. कोटेशन एक ज़रूर लिखिएगा आप जब पोम अटेंड कर रहे हो. और कोशिश करिएगा पोम के क्वेश्चन ज़्यादा करें. आपके अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है कमांड अच्छी है तो आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ होंगे और आपको अटेंड करना आसान होगा.